गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए, एक जानकारी देनी थी कि आज हम लोग जो है क्लास के बाद, जब हमारी क्लास आज की खत्म होगी, तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, क्षेत्रमिति। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्षेत्रमिति। तो आज ये क्षेत्रमिति जो होगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगला क्लास जो होगा आपका मंडे को होता है, फिर वेडनेसडे को होता है, फ्राइडे को होता है। तो क्लासेज आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को ही होंगी। समय भी यही रहेगा, 8:30 से 9:30। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि अब परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास लगेगा। यानी कि अब जो आपके सैट के एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराया जाएगा। और संभावना है कि आप जो क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे से 8:30 से 9:30 बजे, वो सभी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़े और खुद भी जुड़े, समय से जुड़े। समय आपका यही रहेगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, समय रहेगा 8:30 से 9:30। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 14 फरवरी मंडे से। आप सभी बच्चों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। एक चीज और सरप्राइज है, आज के लास्ट सवाल पे आप लोग को मिलेगा सरप्राइज, मेरे तरफ से गिफ्ट, तोहफा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट जो है क्षेत्रमिति के पढ़ चुके हैं। इसी में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? घनाभ का आयतन पढ़ा था और घन का आयतन पढ़ा था। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बहुत ही अच्छा, क्या होता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे एक बार कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, इसको ए क्यूब भी कहते हैं, कहीं कहीं पे जो है इसी को एल क्यूब भी कहता है। एल क्यूब या ए क्यूब का मतलब हुआ कि किनारा जो भी दिया गया होता है हम उसका जो क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो हमें जो है मिल जाता है क्या, घन का आयतन मिल जाता है। सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को ये याद है? तो क्या इसी पे आधारित हम लोग एक जल्दी से क्वेश्चंस कर लें? सभी बच्चे ध्यान देंगे, बताइए इसी पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चंस कर लें? बहुत अच्छा, चलिए। तो फिर आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, फिर आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करना। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। एक घनाभ के आकार का टंकी है, तो टंकी बना लीजिए भाई यहाँ पे सभी लोग। घनाभ के आकार का क्या है? एक टंकी है। मैंने यहाँ पे टंकी बना देता हूं घनाभ के आकार का। ये होता है, ये तो घनाकार कह रहे ना, ये तो बेलनाकार हो जाएगा, सॉरी। घनाभ के आकार का टंकी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। तो घनाभ की आकार की जो टंकी है, घनाभ की आकार की जो टंकी है उसकी लंबाई दे रखी है कितना? 10 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है? 5 मीटर। और ऊंचाई कितना दे रखा है? 4 मीटर। तो आपसे पूछा इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी इसकी धारिता पूछी गई है। तो धारिता तो लीटर में होता है, और आयतन अगर हम निकाल लें जो कि मीटर क्यूब में आएगा, आयतन किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, और जो भी आयतन आएगा वो किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। और इस मीटर क्यूब को हम धारिता में बदल सकते हैं, यानी कि लीटर में बदल सकते हैं, और हमारा आंसर जो होगा प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, पोल सेक्शन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कुछ बच्चे ना यस लिखते हैं ना नो लिखते हैं, रिप्लाई ही नहीं करते हैं, गलत बात है। राज नाम से जो विद्यार्थी उन्होंने बना लिया, एकदम सही है, एकदम सही है सर राज। मैं ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
राजकुमार नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने भी बना लिया, एकदम सही है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए यार, चैट सेक्शन में कौन बच्चा आंसर कर रहा है? ले, आप लोग चैट सेक्शन में क्यों आंसर कर रहे थे? मैंने तो मना किया है ना कि चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। सर, पोल सेक्शन बंद हो गया। हाँ पोल सेक्शन बंद हो गया? पोल सेक्शन तो चल ही रहा है, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर क्यों किए? मैंने कहा पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए, तो चैट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर क्यों किया? सही है, पोल सेक्शन में आंसर करना था ना, आप लोगों ने चैट सेक्शन में आंसर आंसर कर दिया। सही है शिवानी, आपका एकदम सही है। किस्मती नाम से जो विद्यार्थी है उनका भी सही है, सही है। अजीत नाम से जो विद्यार्थी हैं उनका भी सही है। चलिए, 10, 9, सर हम लेट आए हैं सर, 1 मिनट। आप चैट सेक्शन में रिप्लाई करना। 8, 7, मनीषा सही है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोगों ने चैट सेक्शन में आंसर करके बहुत गलत बात काम किया, नहीं करना चाहिए था। चलिए समझते हैं, हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी थी, जिसकी लंबाई दी गई है 10 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, ऊंचाई दी गई है 4 मीटर। पूछा गया इस टंकी में कितना पानी जो है, कितना लीटर पानी आ सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि धारिता यानी कैपेसिटी पूछा गया है, जो कि लीटर में होता है, और जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आयतन निकालेंगे। और आप सभी को पता होगा कि आयतन निकालेंगे तो किस में आएगा? मीटर क्यूब में। आज जब मीटर क्यूब आएगा तो हम उसे लीटर में बदल लेंगे। तो आयतन बताएंगे, घनाभ के आकार का टंकी है तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 5, ऊंचाई कितना है? 4। आप देखिए, 10 में 5 से गुणा करेंगे 50, आप 50 में 4 से गुणा करेंगे 200 मीटर क्यूब हो गया। हो गया 200 मीटर क्यूब। हमें पता है कि धारिता निकालना है, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार 200 मीटर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, 200 में 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी धारिता प्राप्त हो जाएगी, जो कि 2 लाख लीटर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन? एक बार वाइट टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाइट टाइप करेंगे एकदम जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 लाख लीटर। अब हम एक नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन। और आज इसी के, बेलन के आयतन से रिलेटेड एक सवाल होगा क्लास के सबसे लास्ट में, और उस सवाल पे आपको मिलेगा आज इनाम, और आज का इनाम बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो चलिए पहले समझते हैं कि बेलन का आयतन निकालते कैसे। तो पहली बात की बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता क्या है? तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। यानी एक बेलन जितना जगह को या क्षेत्र को घेरेगा, हम उसी के माप को जो है क्या कहते हैं, बेलन का आयतन कहते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे, अगर मैं कहता हूं कि इस बेलन के वृत्त का रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का रेडियस कितना होगा, बेलन का रेडियस कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि अगर इस वृत्त का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो बेलन का रेडियस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो रेडियस बेलन का होता है वही रेडियस वृत्त का भी होता है, और जो रेडियस वृत्त का होता है वही रेडियस बेलन का भी होता है। चलिए ये बात आप लोग जानते हैं। तो
आप लोग सीख गए कि बेलन का आयतन जो है होता क्या है। तो बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप जो होता है बेलन का आयतन होता है। तो इसे निकालते कैसे हैं? तो इसे निकालते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाल के उसमें ऊंचाई से गुणा करके। यानी कि बेलन का आधार क्या है, आप सभी लोग बताएंगे, बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है कि नहीं है, आप लोग सभी लोग बताएंगे। बेलन का आधार एक वृत्त है, और जब वृत्त का ही क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसमें गुणा कर देंगे ऊंचाई से यानी एच से, तो हमें किसका आयतन मिल जाएगा, बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, बात एक ही है, बात एक ही है, आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहिए या वृत्त का क्षेत्रफल कहिए, बात एक ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। गलत, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें गुणा किससे करना है, एच से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। क्या सभी बच्चों को याद रहेगा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ में आया, समझ में आया सभी बच्चों को कि बेलन का आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। एक्चुअली आधार जो है हमारा क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई एच है। उसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यानी कि यही चीजें यहां पे लिखी गई है, पाई आर स्क्वायर गुने एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे, अब मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं कि इस बेलन की ऊंचाई जो है, इस बेलन की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वृत्त सॉरी इस बेलन का ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आयतन सभी बच्चे बताएंगे निकाल के, सभी बच्चे इस वृत्त बेलन का आयतन निकाल के बताएंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाई की जगह पे रख देंगे 22/7 फॉर्मूला। फिर आर कितना है, तो आर है हमारा 2, तो 2 × 2 ठीक है, गुने ऊंचाई कितना है 5, तो रख देंगे 5। अब देखिए कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 22 × 2 × 4 अब 5 × 2 × 4 और 4 × 5 से गुणा करेंगे तो 20। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए नीचे में हो जाएगा 7, तो 22 × 2 = 44 यानी 440/7 जो होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा आंसर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सर ये कटेगा नहीं 440? अब नहीं, ये नहीं कटेगा। ठीक है, जब कटाने की आवश्यकता होगी तो कटा लेंगे, अभी कटाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मुझे फॉर्मूला सिखाना था कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन दिया गया है, और वो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, फिर आप पोल सेक्शन में आंसर करना। चैट सेक्शन में प्लीज आप में से कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी मंदिर, ठीक है, किसी मंदिर के खंभे जो है बेलनाकार है, किस आकार के हैं, बेलनाकार है। बेलनाकार का मतलब क्या हुआ, ये कोई मंदिर का क्या है, खंभा है। खंभा कैसा है, बेलन के आकार का, यानी बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, नीचे 2 वृत्त होता है। ठीक है, तो किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, यानी इस प्रकार के हैं, और प्रत्येक खंभे का आधार, आधार का मतलब क्या है, ये वृत्त, आधार का मतलब क्या है, वृत्त, और उसकी त्रिज्या दी गई है, यानी ये त्रिज्या जो है कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई दे रखा है मीटर में, ऊंचाई किस में दे रखा है, मीटर में। ठीक है, ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और उत्तर दे रखा है सब मीटर में। ठीक है, यानी कि इस सेंटीमीटर जो रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, हम इसे पहले किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे।
और उसके बाद जब मीटर में बदल लेंगे तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको बनाने में इस खंबे को कितना जो है कंक्रीट यानी पत्थर बालू सीमेंट लगेगा। तो अगर हम एक खंबे का आयतन निकाल दें तो 14 खंबे का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो सर, हम बीस को पहले मीटर में बदलेंगे क्या सर, त्रिज्या को मीटर में बदलेंगे ना। और क्या, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में नहीं बदलेंगे क्योंकि आंसर मीटर में है और हाइट भी मीटर में है, तो एक त्रिज्या ही तो सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदल देंगे। इसके यस बाद सर, हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे और जो भी आयतन आएगा उसमें 14 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक खंबे का नहीं बल्कि 14 खंबे का पूछा है, सेम का। तो एक खंबे का हम निकाल लेंगे उसमें 14 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले रेडियस को मीटर में बदल लीजिएगा, जो मीटर में आएगा वही रेडियस हो जाएगा, ऊंचाई आपका पहले से मीटर में है। इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए कौन सा, पाई आर स्क्वायर एच का, जो भी आयतन आएगा उसमें गुणा कर दीजिएगा 14 से, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर। सर इसमें पाई का मान रखना है। एकदम रखना है, सभी बच्चे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे, पूरे 4 मिनट का समय है। ठीक है, सर 1 मीटर रखेंगे या 1 सेंटीमीटर रखेंगे पहले? आप पहले कर लो फिर मैं आपको बताऊंगा, बस इतना जानो कि रेडियस 20 सेंटीमीटर है, हम उसे जो है मीटर में बदलें, अभी मैं नहीं बता सकता, आप पहले कोशिश तो करो। मनीष ने बना लिया, देखते हैं। मनीष आपका सही है, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। राज नाम से जो विद्यार्थी हैं इन्होंने भी बना लिया, बहुत ही अच्छा, सही है, आपका भी सही है, एकदम सही है, आप लोग एकदम बढ़िया कर रहे हैं। अजीत आपका फोटो नहीं दिख रहा है अच्छे से, क्लियर? अजीत नाम से जो भी विद्यार्थी है आपका फोटो जो है आंसर का सही नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा और आपके पास समय है 1 मिनट का। तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियस जो सेंटीमीटर में दिया है उसे हम बदलेंगे मीटर में, उसके बाद हम क्या करेंगे आयतन निकालेंगे एक खंबे का, जो भी आयतन आएगा एक खंबे का हम उसे बदल देंगे 14 से गुणा करके 14 खंबे का आयतन। 30 सेकेंड और, तीस सेकेंड और, ट्वेंटी सेकेंड।
चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमें एक मंदिर का खंभा दिया गया था और उसकी आकार बताई गई है कि वो बेलन आकार है, यानी बेलन के आकार का है। तो बेलन के आकार का मतलब कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे बताया गया इसकी आधार की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। और ऐसे 14 खंभों में कितने कंक्रीट लगेंगे, यानी इसको बनाने में कितने मटेरियल लगेंगे? ठीक है, कितने मटेरियल लगेंगे? तो हम अगर एक खंभे का निकाल लें तो हम 14 खंभे का भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि रेडियस यहाँ पे सेंटीमीटर में है और आंसर जो है मीटर में है, और ऊंचाई भी मीटर में है, यानी कि हमें सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलना होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे इसे सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है मैं बाहर कर दूंगा क्लास से, बता देता हूं। क्लास नहीं कर पाएंगे अगर दोबारा माइक ऑन किए तो। ठीक है, तो मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? तो देखिए आप सभी बच्चों को पता है कि 1 सेंटीमीटर, सॉरी, 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो क्या मैं इसे उल्टा भी लिख सकता हूं, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर भी लिख सकता हूं? तो यहां से अगर 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा, हो गया। तो यानी 1 सेंटीमीटर का माने 1/100 मीटर। अब 20 सेंटीमीटर का निकालना है तो 1/100 में अगर हम 20 से गुणा कर दें तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। तो 0 से 0, 2 से 5, 10 कट जाएगा 5, यानी कि 1/5 मीटर हो गया। कितने बच्चों को यह समझ में आया कि 20 सेंटीमीटर बराबर 1/5 मीटर होता है? ये निकालने आ गया आप लोगों को, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। क्या सभी बच्चों को ये रेडियस समझ में आ गया कि 20 सेंटीमीटर को हमने रेडियस में कैसे बदला? तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, इसे जो है मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं जो है सीधे क्या लिख देता हूं, 1/5 मीटर लिख देता हूं रेडियस को। तो यहां पे रेडियस कितना हो गया? 1/5 मीटर हो गया। अब देखिए हमें एक खंभे का निकालना है और 14 से गुणा कर देना है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 1/5 गुने 1/5, और ऊंचाई देखिए अभी मैंने समझाया भी नहीं, तरह इन्होंने कहा एक बार और बता दो। अभी बताया ही नहीं तो फिर एक बार और क्या बता दूं, पहले समझ तो लीजिए। अभी बता रहा हूं तब तक एक बार और बता दो, कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान जो है यहाँ पे 1/5 मीटर आया हुआ है। तो आर मैंने रख दिया 1/5 × 1/5 और ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर, तो यहाँ रख दीजिए 10 मीटर। अब इस 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो अब बताइए 22 में 2 से गुणा करेंगे तो 44, नीचे आएगा 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35। तो ये आ गया आपका मीटर क्यूब, किसमें? सिर्फ एक खंबे का आयतन आ गया। और आपसे पूछा है कितने खंबे का? 14 खंबे का। तो अब हम क्या करेंगे, 44/35 में जो है 14 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, यानी कि अब हम अगर इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 88/5, और इसे अगर कटाएंगे 5 से तो ये होगा कितना, 5 × 5 = 5, 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, यानी 17.6 m³ हो जाएगा आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में, आप ही लोग बताइए। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो माइक ऑन करेंगे और पूछेंगे कहां पे नहीं समझ में आया। सर, ये माइक 44/35 m² तो किसमें आएगा, हमने सबको मीटर में तो बदला है, तो मीटर क्यूब ही तो होगा आयतन। तो सर मतलब कि पहले इतना सब करना होगा फिर निकालना होगा आंसर। मैंने तो पहले ही कहा कि आपको इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में बदलना होगा। जब तक आप मीटर में नहीं बदलेंगे कैसे निकलेगा, क्योंकि हाइट भी मीटर में दे रखा है, आंसर भी मीटर में दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, हमें मीटर में बदलना होगा रेडियस को। और किसी बच्चे को डाउट है?
और किसी बच्चे को डाउट है? सर ये वाला पूरा तो नहीं। दोबारा से समझा दो। पूरा ज्यादा से दोबारा से कैसे समझा दूं? अगर एक बार एक ही क्वेश्चन समझाऊं तो क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। आपको सर कहां नहीं डंग समझ में आया? मतलब मतलब क्या सर ये पूरा आपने समझ में नहीं आया। कहां से नहीं समझ में आया? जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि आपने क्या नहीं समझा। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेडियस जो 20 सेंटीमीटर दिया गया था उसे क्या 1/5 मीटर लिख सकता हूँ? ये आपको समझ में आया? यस आया ये वाला समझ में? सर सर आ गया। तो अब मुझे बताइए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन अगर का कोई आयतन बेलन का सर है, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपने पिछला क्लास किया था? आपने नो पीछे वाला क्लास किया था, नो इसीलिए आपको सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्लासेस सर हमने ना अभी क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा किए क्योंकि रेगुलर, तो मेरे कैसे? सर नहीं तो हमने अभी ऐसे क्लास नहीं ज्वाइन होता है ना। किए आपको क्योंकि तो सर पूरी मेरे क्लास भाई की कीजिएगा छुट्टी तभी पूरी थी समझ में आएगा। इसलिए नहीं तो पूरी क्लास कीजिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना बीच में जुड़ने से। फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, बस माइक म्यूट कीजिए। यहाँ पे रेडियस दिया गया था 20 सेंटीमीटर, मैंने उसे मीटर में बदला, 1/5 मीटर हो गया। ठीक, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहाँ पे 1/5 है, तो 1/5 × 1/5 कर दिया। ऊंचाई का मान है 10, तो मैंने 10 कर दिया। 5 से 10 को काटा 2 बार में, गुणा किया तो आया 44/35। ये एक खंबे का आयतन आया 44/35। हमें 14 खंबों का निकालना था, 14 से गुणा कर दिया, काट दिया इसको मैंने 5 से। ठीक है, तो आ गया 88/5, और इसको दशमलव में बदला तो ये हो गया 17.6। अब आप माइक म्यूट कीजिए। और किसी बच्चे को डाउट है? आप लोग क्लास को ध्यान से देखते ही नहीं है। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आप लोग कोशिश नहीं करते, मैंने हमेशा कहा है समय से जुड़िए, रेगुलर क्लास कीजिए, तभी समझ में आएगा। आ क्लास को देखिए, इतने शोरगुल में अगर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ सोते हुए, किसी से बात करते हुए, टीवी देखते हुए, तो क्लासेस नहीं समझ में आएंगी। आप लोग को क्लास करने के लिए एकदम जैसे स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, क्लास में शांति से एकदम पढ़ा जाता है, वैसे घर पे भी पढ़ा कीजिए, जहां शोरगुल ना हो, कोई टीवी नहीं चला रहा हो, कोई आपस में बात नहीं कर रहा हो, तो एकदम कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठिए, तब तो सही होगा। अब आप लोग कोई खाते पीते, कोई सोते हुए, कोई बैठ के, कोई घूमते हुए, कोई टीवी देखते हुए, क्लास नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए, तभी क्वेश्चंस बनेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16.6 मीटर की। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को सही करने पे मिलेगा इनाम। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले समझाता हूं, सभी लोग पहले सुनेंगे, अगर डाउट होगा तो पहले ही पूछेंगे। ठीक है, डाउट होगा तो पहले ही पूछेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, डाउट होगा तो पहले ही पूछ लेंगे। क्वेश्चन समझने में डाउट होगा तो पहले ही पूछ लेंगे। क्वेश्चन कहता है, शीशे की एक पेंसिल, जिस पेंसिल से आप लोग लिखते हैं ना, उस पेंसिल को लीड पेंसिल कहते हैं। एक और पेंसिल होता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना, आपको इतना जानना है कि जिस पेंसिल से आप लिखते हैं उसे लीड पेंसिल कहते हैं। ठीक है, और लकड़ी की एक बेलन, यानी जो ये लकड़ी होता है ना, इस अंदर के काले वाले को छोड़ दें, जिससे आप लोग लिखते हैं, ये जो अंदर काला वाला है, ठीक है, इसको काला से करता हूं, जो अंदर काला वाला निकलता है ना, इस काले वाले को अगर निकाल दें, तो जो ये लकड़ी होता है ना, वो बेलन के आकार का होता है, और जो ये काला वाला होता है, वो भी बेलन के आकार का होता है। तो इस काले वाले को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? इसको कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। और इसको क्या कहते हैं, ये जो हरा वाला है पूरा को, इस हरा वाला पूरा को लकड़ी कहते हैं पेंसिल। पेंसिल, ठीक है। और जब इस पेंसिल में से ग्रेफाइट को निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं, इस पेंसिल में से ग्रेफाइट को निकाल देते हैं, तो क्या बचता है? सिर्फ लकड़ी। ये बात कितने को समझ में आया? अगर इस पेंसिल में से इस काला वाला ग्रेफाइट को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? लकड़ी ही तो बचेगा। समझ में आया?
तो अब प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पेंसिल है और एक बेलन के अंदर, माने ये जो लकड़ी है वो भी बेलन के आकार का है। पूरा पेंसिल किसके आकार का है? बेलन के। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चा है पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है? इतना लंबा कमेंट लिखने से बेहतर होता है आप क्वेश्चन को समझ लिए होते। तो लकड़ी के एक बेलन के अंदर, यानी कि ये लकड़ी का क्या एक बेलन है, और इसके अंदर जो है ग्रेफाइट का बना एक और बेलन है। यानी कुल मिला के जो ये, मैं इसका आकृति बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस पेंसिल का मैं आकृति बनाता हूँ। तो बाहर वाला आकृति में पहले पेंसिल का बनाता हूँ जो बाहर वाला होता है। तो बाहर वाला ये हो गया जो हरा रंग से था, और ये किस टाइप का है? एक सिलेंडर के आकार का है, यानी बेलन के आकार का है, ठीक है? और इसी के अंदर वो काला वाला ग्रेफाइट भी है, और वो भी किस आकार का है? सिलेंडर के ही आकार का है। तो उसे मैं काला से बनाता हूं। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये अंदर जो काला वाला होता है जिसे हम लोग लिखते हैं, ये उसका है। और ये भी किस प्रकार का है? ये भी जो है किस प्रकार का है? सिलेंडर के आकार का है, ठीक है? तो अब आपसे प्रश्न में जो बताया गया है कि जो इसका डायमीटर है ना, ये जो अंदर वाला काला वाला जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर आपको दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है। किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 mm सात दे रखा है, ठीक है? कितना दे रखा है? 1 mm दे रखा है। आज जो ये पेंसिल है ना जिसे हरा से मैं बना रहा हूं, इसका डायमीटर दे रखा है, इस पेंसिल का, किसका? पेंसिल का व्यास दे रखा है सात 7 mm, ठीक है? और दोनों की ऊंचाई जो है ना वो सेम है। दोनों की ऊंचाई क्या है? दोनों की ही ऊंचाई जो है क्या है? सेम है। और ये इसका मान दे रखा है, ऊंचाई का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे व्यास जो है एमएम में दिया गया है दोनों का, यानी कि हाइट दिया गया है सेंटीमीटर में। अब आंसर देख लेते हैं किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। यानी कि हमें इस व्यास को पहले तो रेडियस में बदलना होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा ग्रेफाइट का? ग्रेफाइट का रेडियस हो जाएगा आपका 0.5 mm, यानी कि इसी को 0.5 mm हो गया। और पेंसिल का रेडियस को मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूं। पेंसिल के रेडियस को किस में लिख रहा हूं? कैपिटल आर में लिख रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा 3.5 mm। सर चैट सेक्शन बंद कर दीजिए। आप इसलिए माइक ऑन करके बोल रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं सुन तो लीजिए, आप लोग पहले सुन लीजिए, ठीक है? ग्रेफाइट का व्यास दिया गया है, यानी जो अंदर काला वाला है 1 mm, उसका रेडियस हो जाएगा 0.5 mm, यानी आधा mm। पेंसिल का व्यास दिया गया था 7 mm। पेंसिल का व्यास का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है ना लाइन, ये वाला है, ठीक है? फिर आप ये काला वाला से देखिएगा, ये वाला जो है ना ये है ग्रेफाइट का व्यास, ठीक है? बहुत बदमाश है ये, जो भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर किया है ना, बहुत बदमाश, मैं उनको बाहर करता हूं। इसी ऐसे बदमाश बच्चे जो है ना, बार बार कहता हूं चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं तब तक क्वेश्चन बनने लगा। तो ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है 1 mm, और रेडियस हो गया 0.5 mm, ठीक है? रेडियस कितना हो गया? 0.5 mm। और पेंसिल का व्यास दिया गया था 7 mm, तो रेडियस कितना हो गया? आधा, 3.5 mm। और ऊंचाई दिया गया सेंटीमीटर में, और उत्तर भी दिया गया है सेंटीमीटर में। यानी कि हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से करेंगे क्या, हम यहां से करेंगे कि इसको जो है पहले बदलेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, और इसे भी पहले हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में। और अब जो प्रश्न में दिया गया है उसको पढ़िए, ठीक है? पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, पेंसिल का व्यास 7 mm, ग्रेफाइट का व्यास 1 mm, सब ठीक है? पूछा क्या गया है? लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन कब निकलेगा? जब पेंसिल का आयतन निकाल लेंगे, अब ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेंगे, उसमें से पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट निकाल देंगे तो लकड़ी का आयतन हो जाएगा, पहला बात। अब ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए जो चीजें चाहिए वो यहाँ पे है, ऊंचाई चाहिए ग्रेफाइट का, तो ऊंचाई है, रेडियस भी है, लेकिन सेंटीमीटर में बदलना बाकी है।
तो ये काम आप लोग अब जो है पोल सेक्शन में जाके कीजिए। ये आश्रम ओपी करके जो भी बच्चे, मैंने आपको कहा था ना कि चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, फिर आपने क्यों आंसर किया? प्लीज ऐसा आप लोग मत कीजिए, आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए और पढ़ाई पे ही ध्यान लगाइए, ठीक है? ऐसे बदमाशी करेंगे तो आप लोग कैसे सीखिएगा? कोशिश कीजिए जो कहा जाए वो करने का। सभी बच्चे करेंगे, आपको पूरे 4 मिनट का समय दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, अनीश आप पहले से बनाए हुए हैं, रुक जाइए, बाकी लोगों को भी बना लेने दीजिए। चार मिनट का समय है, सभी लोग बनाएंगे। एक बात जान जाइए, आप लोग जो है ना, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग बात नहीं मानेंगे तो कैसे सीखेंगे? हमें सीखने के लिए टीचर की हर बात माननी चाहिए। अगर टीचर कह रहे हैं कि आपको माइक बंद रखना है तो बंद रखना चाहिए। मैं खुद भी तो कहता हूं कि माइक ऑन करके पूछ लीजिए। आप देखिए, आप लोग माइक ऑन करते हैं ना, तो मैं कुछ बता रहा होता हूँ, बाकी बच्चों को भी समझ में नहीं आता है, ठीक है? इसलिए बहुत गलत बातें हैं। अब आप सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप किसी व्यक्ति को कुछ समझा रहे हो और बीच में कोई आके बोल दे, कैसा लगेगा? इसीलिए कम से कम ये सब बैड हैबिट होता है, अच्छी आदतें नहीं होती। तो इन सब चीजों को सीखा कीजिए ना आप लोग। मैं सर हमेशा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर रीज्वाइन कीजिए, आवाज क्लियर आएगी। आप दोबारा से लेफ्ट होके रीज्वाइन कीजिए। कोई भी बच्चा बना नहीं रहा है, सभी बच्चे जो हैं उसी में किसी व्यक्ति ने आंसर करके चले गए, वही सब लोग टिक आउट कर रहे हैं। वो व्यक्ति गलत होगा तो आप सबका गलत होगा, ठीक है? जिस व्यक्ति ने आंसर करके गए हैं और आप लोग कॉपी कर रहे हैं ना, तो उनका गलत होगा, आप सबका भी गलत होगा। इसीलिए अपना बनाइए, खुद का। सही है, अजीत नाम से जो बच्चे हैं सही है। बताइए, ऐसा टफ सवाल एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, यानी कि सभी बच्चों ने, किसी बच्चे ने कोशिश ही नहीं किया, क्या किए? सभी बच्चों ने आंसर टिक आउट कर दिया जो किसी बच्चे ने आंसर किया था। अगर आप लोग ऐसे चीटिंग करेंगे आपस में से, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। नहीं आता तो आप गलत बनाओ, लेकिन कोशिश करो, आप सोचो, विचारो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। जितना आता है उतना ही बनाओ, लेकिन दूसरे का सर मैंने क्या? सोल्व किया है ये सवाल। हाँ, तो सॉल्व करके आंसर करना है। देखिए, दूसरे का कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर गलत है ना, तो आप भी गलत हो जाओगे। कोशिश करो सर खुद अभी के मैं लिए, नाम मिलूं? ठीक है? हाँ, एकदम सही है आकाश, आपका सही है, सही है। जिनका भी हो गया वो दिखा सकते हैं। सही है आकाश आपका, परवीन भी दिखा रहे हैं।
ठीक है, क्लियर दिख नहीं रहा है परवीन, मैं अभी समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है, और 1 मिनट का समय है सभी लोगों के पास, और 1 मिनट का समय है, ठीक है। आपका भी सही है, सिद्धाश्री नाम से ऑफिशियल गुरु जी, मनीष जी का सही है, सही है मनीष जी, आपका भी सही है। आकाश दिखा रहे हैं, आकाश 5.89, ठीक है, सही है, सही है आकाश, आपका भी सही है। सर मेरा नाम नेहा है। अच्छा हाँ नेहा, आपका सही है नेहा, एकदम सही है। सर अभी इनाम नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? इनाम इनाम मिलेगा, एकदम मिलेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को और 30 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए। देखिए, 4 बच्चों ने अपने से किया, भले ही गलत किया, कोई बात नहीं है, आपने कोशिश तो किया। जो कोशिश करते हैं ना हमेशा जीतते हैं, और जो चीटिंग करते हैं ना बिना मेहनत के आंसर कर देते हैं, कहीं से देख के किसी दूसरे क्लास में से पढ़े होंगे, आंसर याद होगा, टिकाउट कर दिए, तो वो बच्चे सीखते ही नहीं है। आप चीटिंग कर रहे हो, क्या सीखोगे? तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जितना आता है हम सीखें, कोशिश करें। कोशिश जो करता है ना जीवन में बहुत आगे जाता है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, मेरे जीवन में कभी, जब मैं आप लोग के जैसा स्टूडेंट था ना, कभी चीटिंग नहीं की, कभी भी नहीं, ठीक है। तो सीखना चाहिए ना इन सब चीजों से, ठीक है। चीटिंग करके इंसान कुछ समय तक पास होते रहता है, लेकिन जीवन में जाके वो फेल हो जाता है, इसीलिए कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। भले आप कम सीखो, थोड़ा सीखो, ज्यादा नहीं सीख सकते कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से सीखो। चलिए 10 सेकेंड और। शिवानी को भी बना लिया, सही है शिवानी, आपका भी एकदम सही है, आपका भी परवीन जी सही है, आंसर एकदम सही है, शिवानी का भी सही है एकदम, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, 10 सुशीला नाम से जो बच्चे हैं, सही है आपका भी आंसर एकदम सही है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्लीज आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन समझ लेना, फिर आपको जो पूछना होगा आप पूछना, क्योंकि इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं होती है। जितना देर तक आप लोग पूछेंगे ना मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार आप लोग समझने का कोशिश करो। मैं समझा रहा हूं, सब कुछ शुरू से समझा रहा हूं, बस कोशिश करना है आपको। आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, मैं अपने तरफ से कोशिश करूं, बस आप कोशिश कीजिए समझने का। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगा, जितनी बार कहेंगे उतनी बार बताऊंगा, पहले आप कोशिश करो। देखो, एक पेंसिल है, ये ग्रीन कलर की क्या है, एक पेंसिल है, और इसके अंदर जो ये काला वाला होता है ना उसे ग्रेफाइट कहते हैं, और दोनों ही बेलन के आकार की होती है। यानी पेंसिल आप लोग देखे होंगे वो भी बेलन के आकार की होती है, और जो इसके अंदर ग्रेफाइट होता है ना काला वाला, जो चलता है पेज पे, जिससे आप लोग लिखते हैं, वो भी बेलन के आकार का होता है, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया लकड़ी का आयतन, तो सिंपल सी बात है कि जो पेंसिल का आयतन होगा, अगर उसमें से हम ग्रेफाइट का यानी काला वाला को निकाल देंगे तो बचेगा सिर्फ लकड़ी, तब तो लकड़ी का आयतन निकल के आएगा। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि अगर पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो हमें दिया क्या गया है, तो हमें दिया गया है ग्रेफाइट का व्यास, यानी जो ये काला वाला अंदर होता है ना उसका व्यास दिया गया है हमें 1 mm, यानी व्यास यानी डायमीटर होता है जो कि रेडियस के दोगुना होता है। तो अगर 1 mm का व्यास है तो रेडियस हो जाएगा 0.5 mm, यानी कि आधा एमएम। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलते हैं तो यहां पे देखिएगा, इसे मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं, यानी कि इसे मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं 0.5 mm को, ठीक है। और इसे मुझे अब सेंटीमीटर में बदलना है, तो कैसे बदल सकते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, 10 mm होता है, आप लोग ये पढ़ चुके होंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है तो हम थोड़ा सा इसे लिख सकते हैं ऐसे, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, लिख सकता हूं ना, सभी बच्चे बताएंगे,
लिख सकता हूं, एक ही बार में समझ में आएगा, आप कोशिश करो केवल, ठीक है। लिख सकता हूं तो यहां से मैं 1 mm का निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 0.5 mm का, तो 0.5 mm को क्या मैं लिख सकता हूं 5/10, लिख सकता हूं दशमलव हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए 5/10 लिख सकता हूं। तो अब मुझे 5/10 को सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहां लिख दीजिए 5/10 mm बराबर क्या होगा, तो 1/10 में हम गुणा कर देंगे 5/10 को, तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यानी कि 5/100 सेंटीमीटर हो गया हमारा क्या रेडियस, किसका, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का रेडियस कितना हो गया, 5/100 हो गया, कुछ इसी प्रकार। देखिए दीपेंद्र, मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, अगर अब आपने एक बार भी अनावश्यक कमेंट किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपने ग्रेफाइट का रेडियस निकाल लिया, कुछ इसी प्रकार अब हम लोग निकालते हैं इस हरे कलर से पेंसिल का। तो पेंसिल का अभी हमें दे रखा है कितना रेडियस, 0.5 mm, 3.5 mm दे रखा है, तो इसी प्रकार हम इसे भी बदलते हैं। देखिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना है 0.5, तो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के लिए, तो यहां रखिए 35/10 mm, किसको, सेंटीमीटर में, तो 1/10 में गुणा करेंगे 35/10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 35/10 जो होगा 100 हो जाएगा ना, 10 × 10 100 हो जाएगा, और ये बदल गया अब सेंटीमीटर में, तो इसको रखिए कैपिटल आर से, यानी पूरी पेंसिल का रेडियस कितना आ गया, ये वाला रेडियस कितना आ गया, आर आ गया आपका, कैपिटल आर आ गया, यानी पेंसिल का रेडियस आ गया 35/100, और ये केवल अंदर का काला वाला जो था ग्रेफाइट जो था उसका रेडियस आ गया 5/100। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक बार वाई टाइप करेंगे, क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछ लेना, ठीक है। यहां तक अगर डाउट है किसी भी बच्चे को तो अभी आप पूछ लेना, ठीक है। यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं है, अब आगे समझते हैं। तो रेडियस दोनों का निकल गया, अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो हमें निकालना है किसका, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो पहले हम ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट को हम लिखते हैं ब्लैक से, क्योंकि ब्लैक है ग्रेफाइट, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो क्या है, बेलन के आकार का है, उसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब सभी बच्चे बताएंगे पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और आर कितना दे रखा है, ग्रेफाइट का आर देखिए, ग्रेफाइट का आर है 5/100, तो यहां रखिए 5/100 गुने आर स्क्वायर है, तो 5/100 गुने ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई आप देखेंगे दोनों का ही, ग्रेफाइट का भी और पेंसिल का भी, दो 14 सेंटीमीटर है, तो यहां रखिए 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमें आ गया ग्रेफाइट का आयतन। अब इसको काटता हूं, देखिए कुछ बच्चों को काटने नहीं आता है, तो ध्यान से देखेंगे कहां से कहां काट रहा हूं मैं, इस 5 से, सॉरी इस 7 को काट रहा हूं, 14 को काट रहा हूं, तो 7 से 14 काट दिया दो बार में, क्लियर है, 7 से 14 को काट दिया दो बार में। अब देखिएगा इस 2 से इस 100 को काट दिया 50 बार में, 50 × 100 होता है, तो इस 2 से मैंने इस 100 को काट दिया 50 बार में, हो गया। अब इस 5 से देखिए ब्लू कलर से, इस 5 को इस 50 को काट दिया मैंने 10 बार में, 10 × 50, ठीक है, और इस 5 से इस 10 को काट दिया 2 बार में, और इस 2 को इस 22 को काट दिया 11 बार में, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 11 और नीचे में बचा 100, तो कितना हो गया, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये किसका आयतन आ गया, हमें आ गया अब ये आयतन जो है ग्रेफाइट का, किसका आयतन आ गया, ग्रेफाइट का। अब हमें किसका आयतन निकालना है, तो एक तो निकालना था ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का तो आ गया, सब में देखिए एक ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों में दे रखा है। अब हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पहले हमें पेंसिल का निकालना होगा, तब तो हम निकाल सकते हैं, तो अब हम निकालते हैं पेंसिल का आयतन। अब हम किसका आयतन निकालते हैं, पेंसिल
पेंसिल का आयतन, तो पेंसिल के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर, आर यहां पे कैपिटल हो जाएगा एच, ठीक है, पाई का मान फिर से 22/7, आर यहां पे कितना है पेंसिल का आर देखिए कैपिटल आर कितना है 35/100, तो यहां लिखिए 35/100 गुने 35/100 गुने एच, दोनों में एच क्या है सेम है, पेंसिल का भी और ग्रेफाइट का भी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको फिर से मैं काट रहा हूं, ठीक है, तो इसको रेड कलर से मैं काट रहा हूं, देखिए 7 से 14 कट जाएगा दो बार में, 2 से ये 100 कटेगा 50 बार में, और ये जो है 7 और ये हो जाएगा 5 दहिया 10 से, ठीक है, फिर यहां देखिए ये 11 और ये बचेगा यहाँ पे 5 और ये 5 से फिर 35 कटेगा 7 बार में, यानी ऊपर में बचा 11 × 7 × 7 नीचे में बटा 100। अब इसे अगर आप गुणा करेंगे ना 11 में 7 से 77 आएगा, 77 में 7 से गुणा करेंगे, अगर आप 77 में 7 से गुणा करेंगे तो ये आता है आपको कितना 539/100, इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पेंसिल का आया है, ध्यान से देखिएगा, ये पेंसिल का है, ये पेंसिल का, ये ग्रेफाइट का है, हमें लकड़ी का आयतन चाहिए, तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, पेंसिल वाले में से माइनस कर देंगे, लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा पेंसिल का आयतन को मैं वॉल्यूम लिख देता हूं माइनस ग्रेफाइट को जी लिख देता हूं इसका वॉल्यूम, तो पेंसिल का वॉल्यूम कितना है 5.39 माइनस ग्रेफाइट का आयतन कितना है 0.11। अब इसको आप घटाइए कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 में से 5 गया 5, तो ये आ गया आपका आंसर, लकड़ी का कितना आ गया 5.283 लकड़ी का आयतन आ गया, ग्रेफाइट का आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे बैक कीजिए और आंसर टिक आउट कीजिए, यहां पे देखिए 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो अब आप लोग पूछिएगा, ये सवाल इतना भी मुश्किल नहीं था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। सीट में ऐसे सवाल हैं मनीष, आप सीट में एक बार प्रैक्टिस करना ऐसे सवाल, अगर आप अभी क्लास का समय हो गया है तो इसके आगे ज्यादा नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आप लोग बताइए, इतने लंबे लंबे सवाल हैं, अगर मैं दोबारा से बताऊंगा तो क्या पॉसिबल है पूरा कंप्लीट कराना, ठीक है, तो क्या सभी बच्चों को क्लियर, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप डी लिखिए, माइक ऑन कीजिए और पूछिए। सर एक बार पेल्सन का दोबारा से बता दो, किसका बता दे, पेल्सन का, पेंसिल का, अच्छा ध्यान से देखना, इसका आपको रेडियस पता है ना कितना है पेंसिल का, माइक ऑन करिए आप, हेलो, यस सर, रेडियस कितना है पेंसिल का सर, 35/100 है ना, तो पेंसिल भी क्या है एक बेलन के आकार का है ना, यस सर, तो पाई का मान मैंने रख दिया 22/7 और रेडियस है 35/100, 35/100 दिख रहा है ना, 35/100 दो बार रखा हूँ, यस सर, सर एक बार ये बताओ कि पेंसिल का रेडियस कैसे आया 35/100, तो आप ये कहो ना कि आपको रेडियस निकालने नहीं आता है, ध्यान से देखो, पेंसिल का व्यास दिया गया है 7 mm, दिया गया है ना, क्वेश्चन पढ़ो आप, 7 mm दिया गया है, यस सर, तो व्यास रेडियस के डबल होता है, यस सर, तो मैंने रेडियस 3.5 mm कर दिया, 7 का आधा 3.5, यस सर, और दशमलव हटाने के लिए मैं इसे 35/10 लिख सकता हूँ, yes, लिख सकता हूँ ना, yes, अब sir. ये एमएम में था, मिलीमीटर में था, मैंने इसे सेंटीमीटर में बदला, कैसे बदला, तो मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर = 10 mm होता है, इसी चीज को मैंने उलट के लिखा कि 10 mm = 1 सेंटीमीटर, यहां तक ठीक है, यस सर, फिर मैंने कहा कि अगर 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 mm का 1/10 सेंटीमीटर होगा, अब yes, मुझे इस 35/10 को बदलना है, तो अगर एक मुझे पता है 1 mm में इतना सेंटीमीटर होता है, तो 35/10 निकालना है, तो 35/10 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, ऊपर में 35 नीचे में 10 × 10 100 नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर, तो yes, यही sir. तो लिखा गया पेंसिल का रेडियस 35/100। ओके सर, अभी डाउट है रेडियस में, नहीं सर आ गया, ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है, डरना नहीं है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज सभी लोग जरूर पूछें,
मैंने कहा था ना कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगा, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है आप पूछो मैं बताऊंगा, और माइक ऑन करके पूछो कि और अच्छे से आप पूछ पाओगे और मैं समझ पाऊंगा कि आपको कहाँ पे डाउट है और मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, तो किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ लो, अगर नहीं डाउट है तो एक बार आप लोग सभी लोग वाई टाइप करो, मैं समझ जाऊं कि आप लोग को डाउट नहीं है। सभी लोग एक बार वाई टाइप करो जल्दी से। बहुत अच्छा, मन खुश हुआ। चलिए तो आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर देख लेंगे, ये आंसर हो गया। और एक चीज और ध्यान से देखिएगा, आप लोग का जो है ना मेंसुरेशन जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो होमवर्क थोड़ा सा पहले ले लीजिए आप लोग, होमवर्क में सारा जो क्वेश्चन है जितना आपका सीट है मेंसुरेशन का सब बना लीजिएगा। एक जानकारी देनी थी वो मैं जानकारी आप लोग को दे देता हूँ जल्दी से, रुक जाइएगा ऑन हो रहा है 1 मिनट। हाँ देखिए, ये जानकारी है कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए जो अगला क्लास आपका होगा 14 फरवरी को होगा, वैलेंटाइन डे के दिन होगा। ठीक है, टाइम रहेगा 8:30 से 9:30 बजे ही, सप्ताह में 3 दिन ही रहता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ही होगा। और ये जो क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैसे महत्वपूर्ण होगा, तो इसमें आप लोग के जो सैट का एग्जाम होता है तो सैट में जो क्वेश्चंस आने वाले रहते हैं ना उसी के आधारित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, कि आप लोग जो है ना एग्जाम में जब क्वेश्चन देखो तो आप लोग को दिक्कत ही ना हो, आप लोग क्या करो पहले से ऐसे क्वेश्चंस बनाए रहो, तो उसी पे एग्जाम पे आधारित बहुत ही जरूरी क्लास होगा। तो इस क्लास को सभी लोग जो है मंडे से जरूर करेंगे, समय से करेंगे, और आपके कोई और भी दोस्त सहपाठी मित्र कोई भी हो उसे भी जोड़े। ठीक है, उसे भी बताएं अवंती के बारे में और उनको जोड़े, वीडियो दिखाएं उनको। ठीक है, तो ये सर ये होता है। क्लास सुबह होंगी? नहीं, रात को होंगी, सुबह क्यों होंगी, रात को होंगी, रात को 8:30 से 9:30। अच्छा, ठीक है, सर वो मंडे फर्स्ट वेडनेसडे क्वेश्चन फ्राइडे। समझा दो, मैं क्लास में ज्वाइन नहीं था। 1 मिनट रुको, बताइए किनको डाउट है। सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन समझा दो, मैं कौन सा क्वेश्चन? क्लास में नहीं था, ज्वाइन नहीं की थी तब तक। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट रिकॉल वाला क्वेश्चन की इसमें का सर रिकॉल। रिकॉल वाला। एक मिनट रुकते हैं। अच्छा, होमवर्क आप लोगों ने नोट किया है ना, पहले मैं होमवर्क दिखा देता हूँ। ठीक है, ये होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे। होमवर्क है आपका 11.1 और 11.2, पेज संख्या 149 और 150। सभी क्वेश्चंस अब आप लोग जो है अपने सीट का मेंसुरेशन वाला बना लेंगे, क्योंकि अगले सप्ताह से आपका शुरू हो रहा है एग्जाम का आपका क्लास, जो कि इसी टाइम पे होगा और ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क नोट कर लीजिएगा। और अब वही लोग रुकेंगे जिनको डाउट है, जैसे इनको क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, इस रिकॉल वाले में डाउट है, ध्यान से देखेंगे। दीपेंद्र माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, माइक ऑन कर लेंगे। दीपेंद्र यस सर, बताइए, इस घनाभ के आकार की जो टंकी है उसकी लंबाई कितनी है बताइए। 10 मीटर, तो यहां बोलिएगा, मैं लिखूंगा, बताइए चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 मीटर।4 मीटर। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कितना पानी लीटर आ सकता है, यानी क्या पूछा गया है, धारिता पूछा गया है ना, कैपेसिटी पढ़े थे, याद आ रहा है यस पिछले सर, क्लास में, धारिता पूछा गया है। और धारिता किस में होता है, लीटर में होता है ज्यादातर, या तो मिलीमीटर में होगा या तो किलोलीटर में होगा, यूनिट पढ़ाया था ना, याद है, धारिता लीटर में, मिलीमीटर में या किलोलीटर में होता है, याद है। हेलो, याद आ रहा है, आपने पिछला क्लास रीड किया है कि नहीं किया है दीपेंद्र।